गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में बिजनेस एक्टिविटीज करी थी जिसके अंदर हमने इंडस्ट्री के बारे में देखा था कि कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। थ्री टाइप्स की इंडस्ट्रीज पढ़ी थी हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, फिर हमने उसके अंदर पार्ट देखे कि इनके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के दो पार्ट थे, एक इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री हमने कल वाले लेक्चर में किया था, आज हम कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि कस्टमर की हेल्प करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स उन तक पहुंचाने में। ठीक है, कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कस्टमर की हेल्प करती है। किस लिए, किस चीज में हेल्प करती है? गुड्स को पहुंचाने में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में। ठीक है, अब देखो कैसे हेल्प करती है। जैसे कि हमें पता है कि जो गुड्स हैं, जो चीजें बनती हैं, वो अलग अलग जगह पे बनती हैं, अलग अलग शहरों में बनती हैं, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में बनती हैं। ठीक है, तो अब ऐसे हमें हर चीज को ना पता है कि कौन सी चीज कहाँ बन रही है, लेकिन जो चीज हमें चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो जो मार्केट में जो अवेलेबल होती है वो कहाँ से आती है? उसे कोई तो लेके आता ही है, कोई तो ऐसी जो एक्टिविटी है जो कि गुड्स को पर्सन तक या कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो जो वो एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब वो ये कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि कौन से तरह की गुड्स कहाँ कहाँ पे बन रही है। ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं, जिस गुड की, जिस चीज की उन्होंने मार्केट में डिमांड की, थोड़े टाइम बाद उन्हें वो गुड्स अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। कभी आपने सोचा ऐसा कैसे? ऐसा कैसे होता है कि हमने जैसे मान लो बेकरी की शॉप है, वहां जाकर हमने बोल दिया हमें तो ब्राउन ब्रेड चाहिए। क्या आपको पता है कि ब्राउन ब्रेड बनते कहाँ पे हैं? नहीं पता ना, कौन से शहर से आते हैं, कहाँ पे उसका प्रोडक्शन है, वो माल कहाँ से लेके आ रहे हैं। लेकिन आपने उसको बोल दिया कि हमें चार दिन में आप ब्राउन ब्रेड मंगा देना, तो उसने तो आपको मंगवा के दिए ना। तो अब जो उसने मंगवाया, ठीक है, तो मतलब आपकी तो हेल्प भी हुई है, आपके पास तो प्रोडक्ट वो आया ही है ना। तो ये कॉमर्स एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटीज जो कंज्यूमर की हेल्प करती है गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, तो कॉमर्स के अंदर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, ये एक तरह की सर्विस होती है। हमने उस दिन भी बात की थी कौन कौन से, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की बात की थी हमने। ठीक है, अब बैंकिंग, फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी क्या होती है? एक्टिविटीज होती है, सर्विसेज होती है, जिससे कंज्यूमर को हेल्प मिलती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, कि कॉमर्स क्या क्या हेल्प करती है, कॉमर्स कैसे हेल्प करती है। एक तो क्या हेल्प करती है? हमारे पास सारा सामान पहुंचाती है टाइम टू टाइम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की हेल्प करेगी। ठीक है, फिर और क्या हेल्प करेगी? बैंकिंग की हेल्प करेगी। बैंकिंग कैसे हेल्प करेगी? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का समझ में आ गया कि हमें पता नहीं है कि कौन सा प्रोड्यूसर कहाँ है, वो गुड्स कहाँ बना रहा है, कौन सी गुड्स कहाँ मंग रही है, लेकिन
कंज्यूमर को कहाँ से मिलती है, बिजनेसमैन को कहाँ से मिलती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस के अंदर हमने हमें पता है कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत तरह के रिस्क होते हैं। बहुत ज्यादा ये पॉइंट भी हमने किया था कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर बहुत तरह तरह के रिस्क होते हैं। कौन कौन से रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर? एक तो नेचुरल होता है कि जैसे कि बाढ़ वगैरह आ गई, ठीक है, या फिर ऐसा हो गया जो सारी दुनिया में हो रहा है, ठीक है, तो वो हो गया अनएक्सपेक्टेड रिस्क, जो कि हमने कभी सोचा नहीं होता वो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रिस्क के बचने के लिए हम क्या कराते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस तो आप सबको पता होगा कि हम किसका कराते हैं, इंसानों के भी इंश्योरेंस होते हैं, कल को कुछ हो जाए तो हमें पैसा मिले होते हैं। इसी तरह हमारे बिजनेस के भी क्या होते हैं? इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या करता है? हमारी हेल्प करता है कि जो भी हमें रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर, कोई फायर के कारण हो गया, चोरी के कारण हो गया, या फिर कोई मान लो एक्सीडेंट वगैरह हो गए, तो इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इंश्योरेंस क्या करता है? इम्प्लॉयज को भी प्रोटेक्शन देता है और हमें भी प्रोटेक्शन देता है। कैसे देगा? कि वो रिटर्न में हमें कंपनसेशन देते हैं, पैसा देते हैं ना इंश्योरेंस वाले। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस एक्टिविटी हो गई। फिर हम बात करते हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? वेयर हाउसिंग का मतलब अब जैसे देख लो, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कूलर से एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब क्या ऐसे होता है क्या कि सिर्फ जो कूलर एसी जो बनाने वाली कंपनी है सिर्फ गर्मियों में बनाती है, सर्दियों में बनाती नहीं है? अगर वो ऐसा करेगी तो उसके पास प्रोडक्शन कम होगा, तो बेच उस पर माल ही कम होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कंपनीज होती है ऐसी, जो फैक्ट्रीज होती है, वो प्रोडक्शन पूरे साल होती है, पूरे साल वो काम करती है ना। कि अब जैसे कूलर एसी वाली जो कंपनी है उसको अपने प्रोडक्ट को पूरे साल बनाती है। ठीक है, वो पूरे साल बनाती है, लेकिन जो प्रोडक्ट बिकता कब है, वो प्रोडक्ट
ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका, कॉमर्स का टॉपिक क्लियर हुआ। तो कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, ठीक है। और उनके आगे पार्ट होते हैं ट्रेड के, होते हैं होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, क्लियर। फिर उधर होते हैं एक्सटर्नल में होते हैं एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एंड रिपोर्ट। फिर इधर हमने एड्स टू ट्रेड के लिए, एड्स टू ट्रेड क्या होता है कि वो एक्टिविटीज जो क्या करती है स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब कि जिससे क्या होता है हमारे जो ट्रेड होते हैं बाइंग और सेलिंग वो स्मूथ तरीके से होती है, अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। और एड्स टू ट्रेड हमारी हेल्प करती है बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कौन कौन सी प्रॉब्लम को, जैसे मान लो हमें लोन वगैरह चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे, बैंकिंग और फाइनेंस से। अगर हमें बहुत ज्यादा रिस्क है तो उसकी प्रोटेक्शन हमें कहाँ से मिलेगी, इंश्योरेंस से। अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक किससे बनता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से। अगर मान लो हमने अभी सर्दियों में हमने एसी कूलर का प्रोडक्शन कर लिया लेकिन वो बिकेगा तो गर्मियों में, तो हम क्या करते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं वेयर हाउस में, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में अगर मान लो कोई भी हमने नई शॉप खोली है, कोई भी हम नया बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें एडवर्टाइजमेंट करनी बहुत जरूरी है सेल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो ये चार्ट कर अपनी कॉपी में बना लो और इसको अच्छे से बुक से रीड आउट करो, बहुत इजी टॉपिक है। बाकी हम आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।